चीजें यूज कर ली थी, राइट। अब हमारा आता है राइट सर। ड्रॉ में ही कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, वो क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये तो सब कुछ बता दिया था, इसमें मैं आपका हैचिंग भी अभी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता रहा। इसके नीचे आओ, ड्रॉ के नीचे क्लिक करने पे देखो, ये मैंने एसपी लाइन और जो एसपी लाइन सी भी बताई दिया था आपको। एसपी सी हाँ, हाँ सब पता अब आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट्स अ लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ओके ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे जो रेड कलर से लाइनें बनी हुई हैं इसमें, ये हाँ सर आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन से ही बनी हुई है। और बड़ी ओके सर इजी तरीके से आप एक ही लाइन से क्या कर सकते हो, पूरा प्लान बना सकते हो। ओके सर जैसे कि आपका ये तो पता है कि ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है, आपने इसको यहाँ क्लिक कर दिया, तो एक लाइन आपने ये बना दी और एक लाइन आपने ये बना दी। सिर्फ इन दो लाइनों को यूज करके आप दुनिया का कोई सा भी प्लान ड्रॉ कर सकते हो। नहीं होगी, ओके हो होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ कैसे। जाएगी हो जाएगा सर ऑफसेट यूज करके ऑफसेट यूज करके, हॉरिजॉन्टली करना है तो हॉरिजॉन्टली लाइन को ऑफसेट कर लो, और वर्टिकल करना है तो वर्टिकल लाइन को ऑफसेट कर लो, और उतना ही आपका पूरा प्लान ड्रॉ हो जाएगा। ओके ठीक है, एक ओके और होती है आपकी इसमें आगे, रे। किसी रे क्या होता है? भी एक पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट जैसे लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है रेज ये तो हमने इतनी सारी रेज ड्रॉ कर ली हैं, इस तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से जा रही हैं, लेकिन आपने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो रे होती है, इट हैज वन एंड पॉइंट, और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइट तक जाती है। याद आ रहा है? हाँ हाँ, तो आपको सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्टकट की लिख लो, ओके सर एक्सेल होती है। एक्सएल हाँ, ओके सर और रे की होती है RAY। ठीक है। ठीक हाँ, तो अब इसमें आपको क्या करना है, रे लाइन पे आपने क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट दे दिया, तो देखो दूसरी तरफ वो इनफाइनाइट जा रही है और एक तरफ आपका एंड पॉइंट है, तो जितनी लाइन आप बना सकते हो ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपको लग रहा था कि वो एक ही पॉइंट से जा रही है, इसका मतलब यह है कि उसमें एक पॉइंट से ही आप एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट जाती है। तो दोनों लाइनें क्लियर है, कंस्ट्रक्शन लाइन और ओके रे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगला पॉइंट होता है मल्टीपल पॉइंट्स। क्या होता है? मल्टीपल पॉइंट पॉइंट, अगर कहीं पे सिर्फ हमें पॉइंट क्रिएट करना है, ओके पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है? हाँ कोई भी एक ओरिजिन जिसे कह सकते हैं जहां हाँ, से हम अपना तो वर्क मैं स्टार्ट कर सकते एक यहाँ क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पॉइंट आ गया, दो हैं तीन। अगर मैं इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट क्रिएट करता हूँ तो वो क्या मुझे दिखेगा? नहीं नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं दिखेगा। तो देखो इस लाइन की तो छुप गई, लेकिन फिर भी ये आपको एक डॉट दिख रहे हैं तीन। तो लेकिन अगर इनका पॉइंट स्टाइल चेंज करना है आपको, पॉइंट स्टाइल समझ रहे हो कि भाई सिंबल चेंज करना है पॉइंट का, तो आप ओके यूटिलिटीज में जा करके यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ओके सर अभी पॉइंट स्टाइल हम दे देते हैं इसमें, ये आ गए, इतने सारे पॉइंट स्टाइल हैं, कोई सा भी एक ले लो, कौन सा ले लूं बताओ? लास्ट वाला ले लीजिए ये हाँ क्लिक कर दो और ओके कर दो, तो ये देखो शो करा दिया उसने। ठीक है, तो ये क्या थे, मल्टीपल पॉइंट्स। अब नेक्स्ट कमांड जो होती है इसमें आपकी, वो होती है डिवाइड। ओके क्या होता है?
डिवाइड डिवाइड शॉर्टकट की होती है डी आई वी, ओके सर क्या होती है डी आई वी, डी आई वी क्रिएट इवनली, इवनली मतलब इक्वली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ, ओके मतलब समझ में आया, मतलब पूरी लेंथ को इक्वली डिवाइड कर इक्वल पार्ट्स में कर देगा, वहां okay. पे आपकी लेंथ की कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होती है, नहीं आई बात समझ में आपको? ओके समझ गया, क्या समझे बताओ, मतलब जो भी लाइन होगी उसकी उसको इक्वली डिवाइड कर देगा, नहीं बो... ये एक लाइन बना दी मैंने 100 की है और चलो हमें पता भी नहीं है okay. कितने की है तो मैंने डाला डी आई वी और एंटर, क्या बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लाइन पे क्लिक कर दिया okay. अब मांग रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट आपको इसमें रखने हैं, 10, तो ईच सेगमेंट विल बी ऑफ इक्वल लेंथ डिवाइडेड बाय 10, इक्वल लेंथ डिवाइडेड बाय 10, यस और नो, तो हेलो, हाँ बोलो, आवाज आ रही है सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रही है, ओके तो 10 एंटर कर दिया मैंने, तो देखो 10 सेगमेंट बन गए मेरे कि नहीं बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट और रॉन्ग, राइट सर, तो ये इसमें लेंथ हमारा कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ओके, लेकिन अगला जो मेथड है वो है आपका मेजर, ओके सर, इसमें भी अगर मैं लाइन लेता हूँ 100 की ही, ओके सर, इसमें वो लेंथ वाइज सेगमेंट क्रिएट करेगा, ओके, इसमें आपको एक सेगमेंट की लेंथ डालनी होगी, कितने की, एक सेगमेंट की, और जितने भी सेगमेंट उसमें पॉसिबल हो पाएंगे आपकी लेंथ में उतने सेगमेंट क्रिएट कर देगा, ओके सर, जैसे कि इसकी शॉर्टकट की होती है एम ई, एम ई, एम ई, एम ई फॉर मेजर, ओके ओके सर, अब एंटर कर दो, अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर, ये इस पे क्लिक कर दिया मैंने, अब एक सेगमेंट की लेंथ पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना चाहिए, 23 कितने पॉसिबल होंगे इसमें, इसमें 4 सेगमेंट, 4 ने होंगे तो 5, लेकिन एक पूरा नहीं होगा, हाँ, जैसे कि ये 23, ये 23, ये 23 और ये 23, 23 into 4 92, और ये आपका 8 का बचा है तो उसने 8 का एज इट इज छोड़ दिया, आई बात समझ में, हाँ सर, तो ये दोनों कमांड क्लियर है, हाँ सर, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ हैचिंग, सर एक चीज पूछनी थी, जैसे ये पॉइंट्स, हेलो, हाँ बोलो सर, जैसे ये जो पॉइंट्स में सेगमेंट हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे आए हैं यहाँ से हम डायरेक्ट लाइन स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, पॉइंट वहाँ पे क्रिएटेड है ना आपका, ये लो, ओके, जब पॉइंट बन गया वहाँ पे तो हम तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, ओके सर, ठीक है, अब हैचिंग का पार्ट, अच्छा दो चीजें होती हैं हैचिंग के लिए हमारे पास, एक तो आपका क्लोज्ड हो फिगर, ओके सर, और एक आपका क्या हो,
ओपन हो, तो ओपन आपका किस तरह से हो सकता है? मिनिमम तो आपको दो लाइनें तो चाहिए ही होती हैं ओपन करने के लिए, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। अच्छा, अब देखो इन तीनों में मुझे हैजिंग पैटर्न फिल करना है। हैज पैटर्न समझते हो? शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, वेरी गुड। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली शेडेड करेंगे कि भाई जिस चीज के लिए जो एरिया स्पेसिफाइड है। अब जैसे कि आपने अपने प्लान में ग्रीनरी दिखानी है, तो आपका उसका एक स्पेसिफिक क्या होगा, पैटर्न होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, जैसे आपको कुछ सेक्शन काटा है तो कॉलम का कंक्रीट दिखाओगे, बिल्कुल, तो वहां पर कंक्रीट का पैटर्न होना चाहिए। अगर मिट्टी है तो वहां मिट्टी का होना चाहिए। हाँ सर। तो वो आपको यहाँ से पैटर्न चूज करना पड़ेगा। ओके, क्लिक करो हैचिंग पे, तो एक विंडो क्रिएट होके आएगी, होगी मतलब। आगे देखो और इस छोटे से एरो पे क्लिक करो आप, बीच वाले पे, नीचे वाले पे, तो वो सारे बड़ी विंडो खुल के आ जाएगी जिसमें आपके सारे पैटर्न्स होंगे। देखो अलग अलग टाइप के आपके सारे पैटर्न्स होंगे, जैसे कि ये देखो ग्रेवल का है आपका, ठीक है, ये हनी का है, ये फिर आप देखो तो ग्रास का भी है, ग्लास का भी है, ये फ्लेक्स का है, फिर आपका ये अर्थ का है अगर ग्राउंडेड है तो, फिर आपका क्ले का भी है, ब्रेस्टोन का भी है, ये सैंड का है, बॉक्स है, ब्रास है, ब्रिक है, ठीक है, ये आपका रूफ है, फिर आपका देखो कंक्रीट भी है। तो आप समझदार है, इसमें कोई भी अपना सूटेबल ले सकते हो। ओके, ठीक है। अब मान लो सपोज मैंने ये ले लिया एच बोन। ओके, अब इस एच बोन को लेने के लिए अब मेरे पास होता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट का ऑप्शन। तो अगर मैं यहां से लेता हूं पिक पॉइंट, तो पिक पॉइंट आपका काम करेगा सिर्फ क्लोज्ड फिगर में। ओके, किसमें? सिर्फ क्लोज्ड फिगर में। सिर्फ क्लोज फिगर में वो एक क्लोज्ड इनक्लोज्ड बाउंड्री को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, लेकिन अगर आप देख रहे हो इसमें तो सिर्फ एक ही लाइन आई है, बाकी का क्यों नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ, बाकी का इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका स्केल बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि बीच की स्पेसिंग जिसे हम कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ विड्थ बहुत कम है। कम है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का स्केल छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अब आ रहा है बढ़ता हुआ। अब प्रॉपर्ली सीन है। हाँ, तो ये तो हो गया आपका कौन सा, पिक पॉइंट वाला ऑप्शन। अब एक होता है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि ओपन बाउंड्री को सिलेक्ट करता है। अब इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लो आप। देखो दोनों लाइनों में आ गया। अब हाँ, आप कहोगे सर ये यहाँ तक क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि अगला वाला जो लाइन अगर लेगा वो इस लाइन से बाहर निकल रहा होगा। ओके, इस वजह से वो पॉइंट नहीं ले रहा है। अब देखो इसमें इसमें कर दो। अब देखो ये क्लोज बाउंड्री हो गई इसको सेट करते ही, क्योंकि मैंने एक एक ही उसमें लिया है। हाँ, मतलब एक ही कमांड में लेते जा रहा हूँ तो वो सबको एक ही ऑब्जेक्ट मान रहा है। ये देखो, ओके, अगर मैं अलग अलग लेता तो वो अलग अलग, देखो अलग अलग करके दिखा देता हूँ। अलग अलग करता, ये तो सही है, इसके लगा दिया मैंने, इसको क्लोज कर दिया। फिर यहां से मैंने हैचिंग लिया, यही वाला लगा देता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर के, पहले इस पे लगा रहा हूँ। तो देखो दो लाइन सेलेक्ट की तो ऐसे आ गया, और तीसरी वाली भी करूंगा तो देखो ऐसे आ गई। हाँ सर, ये इसमें तरीका होता है आपका। देखो अब मैं डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ तो वो फुल पे आते जा रहा है।
है ना, अगर इसी को क्रॉस कर देता तो प्रॉपर ऐसा आता है इस तरह से, ओके तो ये तरीका रहता है इसका, ठीक है। ओके सर, ये तो यहाँ तक तो वो पैटर्न वाला है ही, यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हो, ओके ठीक है। ओके और ये एंगल है, जैसे कि अभी ये इस एंगल पे आ रहा है, यहाँ से आप इनका एंगल बढ़ाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा, देखो नीचे वाला हो रहा है, सीधा हो गया, सीधी लाइन हो गई एंगल बढ़ाने पे। दिख रहा है नहीं दिख रहा? हेलो, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एंगल चेंज कर रहा हूँ तो। हाँ सर, ये नीचे इस वाले फिगर में देखना, एंगल बढ़ा रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। अभी जीरो एंगल पे इस तरह से आ रहा हाँ है सर, वो, और इसको और एंगल बढ़ाओगे तो चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है इसके जो ओपेकनेस है आपके ऑब्जेक्ट की, वो ट्रांसपेरेंसी इसमें बढ़ेगी, फेड होता जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। देखो फेड होते जा रहा है कि नहीं, ब्राइटनेस उसकी सिर्फ हैचिंग पैटर्न की, तो मैक्सिमम आपकी 90 होती है, मिनिमम 0 होती है, ठीक है। ओके इसको आप फिर से क्लोज कर दिया। दूसरा इसमें होता है एक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है उसको किसी कलर से फिल करना। ओके सर, हैच का मतलब होता है शेडिंग से फिल करना, और ग्रेडियंट का ओके कलर मतलब होता है उसको से फिल करना। कलर से फिल करना। कलर्स आ गए, सेम वही ऑप्शंस हैं, देख लो आपकी स्क्रीन पे, हाँ सर, और इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप ले सकते हो कि कौन से कलर से पैटर्न से करना है, जैसे कि दो कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से आएगा, एक इस तरह से, इस तरह से आप कोई भी दो कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ओके सर, लेकिन अगर आपको एक ही कलर लेना है, सपोज ये वाला लेना है, ये ले लिया तो दो कलर दिखा रहा है, हाँ सर, यहाँ से इंडिविजुअली आप कलर चेंज कर सकते हो दोनों के, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाएगा फिर। ओके अगर मान लो कि एक ही कलर से फिल करना है तो दोनों में एक ही कलर लेना पड़ेगा, ओके ठीक तब वो एक कलर से फिल होंगे फिर। है सर, अब पिक पॉइंट ले लेता हूँ, इस पर लगा रहा हूँ, इस पर अगर आपने लगाया तो क्या हुआ? हैच गया वो कि ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। गया नहीं है, वो इसके पीछे छुप गया है। ओके पीछे क्या हो गया? हाइड हो गया। हाँ तो इसमें एक ऑर्डर होता है कि या तो मैं इस ग्रेडियंट को हैचिंग के पीछे भेज दूं, सेंड टू बैक, ओके या फिर अपने हैचिंग को फ्रंट में ले आऊं, बात एक ही रहेगी। तो हाँ हैचिंग तो हम लगा चुके हैं, उसमें एडिट करना मुश्किल होगा, इसमें ग्रेडियंट में कर सकते हैं। हाँ सर, सीधे यहां जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये रहा, ओके बैक, क्या है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक ओके है कि नहीं? अब यहाँ पे हमें कौन सा लेना पड़ेगा, सेंड टू बैक, सेंट बैक, कर दो सेंड टू बैक और इसको क्लोज कर दो, विजिबल हो गया। सर ये ग्रेडियंट में एक ऑप्शन आ रहा था टिंट, TINT, ये एंगल के नीचे। ये हाँ ठीक है, आ रहा, कितना फेड करना है, कितना नहीं आना है। ओके, ये टू कलर्स लेंगे उस समय यूज बिल्कुल होता है। बिल्कुल ओके राइट, राइट, ओके। तो ये आपका प्रोसेस हो गया किस चीज का, रेडियम। ग्रेडियंट, ठीक है। और बताऊं या काफी आज के लिए? तो ग्रेडियंट में क्लोज बाउंड्रीज ही चाहिए कि ओपन नहीं नहीं बाउंड्रीज में वो भी फिट दोनों पे ही करते, काम करेगा आपका। दोनों पे बात। हाँ ओके ठीक है, सेम एज हैच, ओके सर। ठीक हैच है। को सर कंप्लीट ही कर दीजिए, एक थर्ड हैच तो जो कम, पॉइंट है उसे, ये तो वो हैच ग्रिड बाउंड्री। हाँ ये आपका बाउंड्री क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, बाउंड्री मतलब ये होता है जैसे कि आपने लाइन ली, तो ये है तो क्या आपकी लाइन, इसमें से आप क्या करो, जैसे कि आपने बाउंड्री मेंशन करना है तो उसको वो क्या करेगा, एक रीजन बना देगा, बाउंड्री बना देगा उस क्लोज रीजन को। अब ये एक्चुअली क्या ओके हुआ, इसको यहां से मूव कराओ,
तो देखो दो ऑब्जेक्ट हो गए आपके उसी के ऊपर, ये आपका पॉलीलाइन वाला ऑप्शन है और ये आपका वो सिमिलर वही है। मतलब ये है कि अगर आपको अपनी ड्राइंग में से कोई पर्टिकुलर एरिया वहां से निकाल के दूसरी जगह यूज करना है तो आप इस कमांड से क्रिएट करके लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा हैच आया तो इसमें एक कमांड और होती है वाइप आउट, ये रही वाइप आउट। वाइप आउट ओके सर, इससे क्या होता है वाइप आउट अगर आपने ले लिया और कोई भी एक फ्रेम बना दो ऐसे करके, कैसा भी बना सकते हो, कितने भी कॉर्नर्स आप इसमें दे सकते हो और जहां पे भी एंटर कर दोगे उतने रीजन का आपका चाहे हैचिंग हो चाहे ग्रेडिएंट हो वो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके ठीक है। अब इसमें दो तीन कमांड है और बची है आपकी, एक तो रीजन बचा है, ये आपका पॉलीलाइन और हेलिक्स यहाँ पे हम बता नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते इनको क्योंकि ये 3D में यूज होगा और हेलिक्स भी आपको 3D में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब डोनट और ये बचा है, ठीक है इसको हम कल ही करेंगे राइट। ओके ठीक है, ओके बाय सर, अगर फ्री हो तो उसको देख लीजिएगा ना स्टैट प्रो, मैं कल कॉलम की ओरिएंटेशन। ओके सर, क्योंकि वहां पे जाकर के मैं कल क्लास में आपकी वहां दूसरी जगह जाके ही लूंगा 11 बजे वाली। ओके सर, फिर वहीं पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, ओके बाय।